हमने मेरा जो फर्स्ट पिक होगा वो डीएलएफ होगा। देखिए अगर हम वीकली चार्ट्स देखें डीएलएफ के, तो काफ़ी 2 साल से वो एक रेंज में रहा है, ऊपर में 290 और नीचे में 170। तो ये जो फिलहाल उसने 2-3 महीने का जो उसका सपोर्ट था 230 का, उसने बहुत ही वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया। तो ये जो स्टॉक है वो अभी उसका जो प्रीवियस कंसोलिडेशन जोन है 190 का, वहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ डीएलएफ को आने के लिए। और ओवरऑल उसका जो व्यू है वो नीचे में और देख सकते हैं, मीडियम टर्म में हम उसको 170 तक भी देख सकते हैं। चले तो डील और पे मेरा जो बिल्कुल दूसरा पिक होगा, जी जी हाँ मोदी साहब बोलिए। हाँ मेरा जो दूसरा पिक होगा वो होगा रिलायंस कैपिटल। रिलायंस कैपिटल हमने देखा है कि काफ़ी हायर हाई हायर लो बॉटम फॉर्मेशन बन रहा था, चैनल में था, 38.2% रिट्रेसमेंट से वो घूमा भी है, और उसने वो पूरा जो फॉर्मेशन था वो उसने तोड़ दिया है। तो अब ये जो स्टॉक है वो काफ़ी वीक हो गया है और नीचे में उसकी ज़्यादा आने की संभावना है। तो मैं ये रिलायंस कैपिटल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 315 के आसपास। चलिए तो रिलायंस कैपिटल बिकवाली की सलाह रहेगी, 315 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं, 355 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करें। इसके अलावा डीएलएफ एक शॉर्टिंग कैंडिडेट, नतीजों के बाद वैसे ही काफी गिरावट देखने को मिल रही है, पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा मंदी की चपेट में है, पर मैं मोदी जी मानते हैं कि 188 तक के लक्ष्य डीएलएफ दिखा सकता है, 208 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करके डीएलएफ में भी बिकवाली करके चल सकते हैं। यहाँ पर कुछ देर पहले हमने आपको जे कुमार इंफ्रा दिया था, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर 3.5% अप हो चुका है काउंटर, और आज का जो हाई बनाया है वो 182 पे बनाया है। मजबूती इस समय जय कुमार इंफ्रा पे अभी के सत्र में देखने को मिल रही है बाजार पे, हालांकि